महाभारत का युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में 18 अध्याय मतलब 18 चैप्टर और टोटल 700 श्लोक है और आज से लगभग 4500 वर्ष पहले गीता का ज्ञान बोला गया था। ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई भगवत गीता को पढ़ता है या फिर भगवत गीता के नॉलेज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है तो उसे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर अपने लाइफ में और कोई भी मोटिवेशनल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सो अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि भगवत गीता के 18 अध्याय को एज एन एल्बम मीन्स हर अध्याय पे एक ट्रैक और टोटल 18 ट्रैक का एक एल्बम रिलीज किया जाए तो कैसा रहेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हमारी DHH के एक आर्टिस्ट ने किया है। इन्होंने गीता के 18 अध्याय को ट्रैक में कन्वर्ट कर दिया है। हर अध्याय के ऊपर इन्होंने एक सेपरेट ट्रैक बनाया है, टोटल 18 ट्रैक का एक रैप एल्बम जिसमें हम पूरा भागवत गीता रैप में सुन सकते हैं। और ये जो आर्टिस्ट है इनका नाम है स्लोविज, शायद तुम लोगों ने इनको MTV हसल में देखा होगा। और इनके एल्बम का पहला ट्रैक जिसका नाम है अर्जुन विषाद, जो कि गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग से इंस्पायर्ड है या फिर उसे ही पूरा रैप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, दिस सॉन्ग इज ऑलरेडी आउट। धृतराष्ट्र पूछे संजय से युद्ध क्षेत्र का हाल, आंखों देख कहे संजय है युद्ध क्षेत्र का हाल दुर्योधन। ओके, सो इस वीडियो में हम स्लोविज के भगवत गीता एल्बम से पहला अध्याय जिसका नाम है अर्जुन विषाद, इसे हम रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। और सिर्फ इस वीडियो में हम इस ट्रैक को रिव्यू ही नहीं करेंगे बल्कि गीता के इस पहले अध्याय को हम समझेंगे भी कि इसमें क्या मैसेज दिया गया है और स्लोविज ने किस तरह से जो श्लोक है, क्योंकि भगवद गीता के जो श्लोक है वो संस्कृत में है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके रैप में इम्प्लीमेंट करना और स्लोविज ने कैसा इम्प्लीमेंट किया है और पूरा ट्रैक कैसा है। हम ट्रैक के म्यूजिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस ट्रैक में हमें एक वोकलिस्ट भी देखने को मिले हैं जिनका वोकल यूज किया गया है, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी कुछ रैपर ने महाभारत के ऊपर रैप बनाया है पर भगवद गीता के सारे चैप्टर्स मीन्स टोटल 18 चैप्टर पे अभी तक किसी ने इसके पहले ट्रैक नहीं बनाया है या फिर एल्बम नहीं बनाया है और ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट एल्बम है जो हमें DHH में देखने को मिल रहा है। सो हम उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। कुछ सीख के जाओगे और आज तो गारंटी कुछ सीख के जाओगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। यादों को तेरी भुला भी नहीं पा रहा, हकीकत नाम कुछ समझ नहीं आ रहा, ये दिल दिया देखो था बनी माशूका, बन गया अमिताभ में तू बन गई मेरी रेखा, जाने क्यों पीछे तू पड़ी थी याद ही ना फ्लोर। सो आर्टिस्ट है बफर और गाने का नाम है पागल। सो भाई के साइड से हमें एक ट्रैप सॉन्ग देखने को मिला है, बहुत ही बढ़िया ट्रैक है, मुझे पसंद आया। सो गाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना, भाई कंट पे जाकर ड्रॉप कर देना। रैप बॉट के चैनल से आए हो, रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, बढ़िया काम है, लिटरली बढ़िया काम है। सबिट पसंद आया ट्रैक चेक करना, ट्रैक भी पसंद आएगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो और अब सीधा हम ट्रैक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिव्यू मतलब तुरंत स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जल्दी से हम चेक कर लेते हैं ट्रैक का डिस्क्रिप्शन। सो इस ट्रैक को लिखा और कंपोज किया है स्लोविज ने, गाने का जो वोकल है वो दिया है अपूर्व सरन ने, म्यूजिक प्रोड्यूस करा है किमान म्यूजिक 9 ने और ट्रैक को मिक्स मास्टर किया है AX ज्यूस ने और विजुअल्स है विष्णु शुथरके। सो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर मैंने आज के पहले कभी वीडियो नहीं बनाया। और महाभारत या फिर भगवद गीता के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं, बट अभी भी बहुत सारे लोग के केस में ये होता है कि हम सबको भगवद गीता की जो रियल मीनिंग है, जो ट्रू मीनिंग है वो नहीं पता है। सो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों की मतलब हम सबकी जितनी भी परेशानियां हैं, हम सबकी जितनी भी प्रॉब्लम है, अर्जुन के प्रश्न द्वारा चित्रित किया है या फिर उनका आंसर दिया है। और जो भी भगवान श्री कृष्ण इसमें भगवद गीता में समझा रहे होते हैं, अगर तुम अर्जुन को रिप्लेस करके उस सिचुएशन में अपने आप को रख दो तो शायद हमारे लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है और हमें अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें नहीं समझ आ रही है या फिर हमें जो भी चीज़ें सीखनी है, हमें उन सब का आंसर भगवद गीता में मिल जाएगा। सो भगवद गीता का जो पहला अध्याय है या फिर जो पहला चैप्टर है इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। और जैसे ही हमें इस अध्याय का नाम से ही पता चल रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे वो अपने सगे संबंधियों भाइयों के साथ
युद्ध करेंगे। और इसी व्याकुलता या फिर इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए अर्जुन जो है वो अपने सारथी जो कि श्री कृष्ण है उनसे बहुत सारे सवाल करते हैं। ओके फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं हम पहला अध्याय जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र पूछे संजय से युद्ध क्षेत्र का हाल, आंखों देख कहे संजय है युद्ध क्षेत्र का हाल। महाभारत युद्ध का पहला दिन है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों साइड की सेना जो है वो एकत्रित हो चुकी है, इकट्ठा हो चुकी है। ऐसे में अपने महल में बैठे हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र, उनके मन में ये जानने की इच्छा होती है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में चल क्या रहा है। उनके मन में ये जानने की इच्छा होती है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में उनके और पांडु के पुत्र जो इकट्ठा हुए हैं महाभारत के पहले दिन के लिए वहां पे क्या चल रहा है। तो ऐसे में वो अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि अपनी दिव्य दृष्टि को उपयोग करके यूज करके उन्हें बताओ कि एग्जैक्टली अभी जो युद्ध का क्षेत्र है या फिर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है और कैसे जो है युद्ध आगे बढ़ रहा है। सो धृतराष्ट्र जो थे वो आंखों से अंधे थे, बट शायद उन्हें भी अपने मन में ये पता था कि कौन गलत है और कौन सही है, और शायद वो भी मन ही मन जानते थे कि श्री कृष्ण जिनके तरफ है वो कभी युद्ध हार नहीं सकते। दुर्योधन संखड़े द्रोण है पांडव सेना चर्चा, दुर्योधन बोले महारथी है सब और लेता नाम, फिर बतलाता दुर्योधन। तो संजय जो राजन ने उनसे बोला था करने को वो करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि यूज करते हैं और युद्ध में देख के बताते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। तो संजय जो है वो ये बताते हैं कि दुर्योधन ने सबसे पहले पांडव ने जो व्यूह रचना किया है उसको देखा और फिर उसके बारे में वो आचार्य द्रोण से जाके बात करते हैं और फिर दुर्योधन गुरु द्रोण को पांडव के सेना के बारे में बताते हैं कि उस सेना में कौन कौन से महारथी है और फिर उसके बाद दुर्योधन अपने सेना में जो महायोद्धा है उनका भी नाम लेते हैं। और इस टाइम पे जब दुर्योधन दोनों साइड की सेना के बारे में बता रहे थे, महारथी के बारे में बता रहे थे, तो दुर्योधन का जो अहंकार है वो साफ नजर आ रहा था और दुर्योधन जो है वो ये समझ रहे थे कि वो ये युद्ध है वो जीत जाएंगे, जो कि अगेन उनका अहंकार था। गुरु द्रोण है सामने समझने को ये अंतर, अहंकार में दुर्योधन बस करे जीत की बात सुरक्षित रखने। तो दुर्योधन ने अहंकार तो दिखा दिया पर कहीं ना कहीं दुर्योधन के अंदर पिता भीष्म को लेकर के आशंका थी क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था वो अलग बात है, बट स्टिल जो दुर्योधन थी वो उनके लिए चिंतित थे, परेशान थे। और इसके बाद युद्ध जो है वो आरंभ होने लगता है और शंख और नगाड़े की आवाज सुनाई पड़ती है। युद्ध आरंभ, उद्घोष भीष्म हाथ बजा के शंख किया अपनी शक्ति का आगाज। कौरवों की सेना की तरफ से भीष्म पितामह जो है वो शंख बजाते हैं और पांडव की ओर से पहले श्री कृष्ण ने अपने पांचन्य नामक शंख को बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया, भीम ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया, इसके बाद युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। और फिर संजय जो कि ये सारी पूरी कहानी राजन को बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि जो युद्ध भूमि है वहां पे शंखनाद हो चुका है और युद्ध की आरंभ भी हो चुकी है। अर्जुन और श्री कृष्ण में हो रहा कुछ संवाद, बोले अर्जुन ये रथ लेके चलो मध्य में तात में। और इसके बाद अर्जुन और भगवान कृष्ण में कुछ संवाद होती है। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि उनके रथ को युद्ध के बीच में ले जाया जाए कि वो वहां जाके अपने सगे संबंधियों को अच्छी तरह से देख पाए और अर्जुन को ये पता चल सके कि वो कौन कौन से योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लायक है, युद्ध करने के योग्य है। देखना चाहता हूँ किन किन से है मेरा युद्ध, दुर्योधन है दुर्बुद्धि उसका हटी है ये युद्ध मेरे ही अपने। और भगवान श्री कृष्ण वैसा ही करते जैसा अर्जुन ने बोला था, वो रथ को युद्ध के बीच में ले जाते हैं और फिर वहां पे अर्जुन सारे योद्धा को देखते हैं। सबसे पहले उनका ध्यान जो है वो भीष्म पितामह और उनके गुरु द्रोण पे जाता है और इसके बाद और भी सारे योद्धाओं को देखते हैं अर्जुन, और ज्यादातर जो योद्धा थे वो अर्जुन के रिश्तेदार ही थे और फिर दोनों सेनाओं में मौजूद ताऊ चाचा मामा और उनके बहुत सारे रिश्तेदारों को अर्जुन देखते हैं। मेरे ही अपने संबंधी मेरे ही भ्राता मित्र है, दिखते मुझको सामने कैसे करूं मैं युद्ध अर्जुन है। और युद्ध में अपने भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को देख के अर्जुन का जो मन है वो करुणा से भर जाता है और अर्जुन सोचते हैं कि वो अपने लोगों के साथ कैसे युद्ध कर सकते हैं और वो अपने लोगों को युद्ध में कैसे मार सकते हैं। और फिर हमें इस ट्रैक में इस ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड अगेन अगर हम हुक पार्ट के लिरिक्स में ध्यान दें तो हुक पार्ट की जो लिरिक्स है वो अगेन अर्जुन के द्विधा पे ही बेस्ड है कि अर्जुन जो है वो द्विधा में है कि कैसे वो अपने लोगों पे, अपने दोस्तों पे, अपने मित्रों पे वान चला सकते हैं या फिर उनसे कैसे वो युद्ध में लड़ सकते हैं। और वो कृष्ण भगवान से ये बोल रहे होते हैं कि युद्ध से पीछे हटने का तो मुझे कुछ विचार दो क्योंकि मैं अपनों को नहीं मार सकता और अपनों से
युद्ध में नहीं जीत सकता। कैसी है दुविधा ये कुछ कहो कृष्ण भगवान। अपनो फिर अर्जुन श्री कृष्ण से बोलती है कि क्या मिलेगा मुझे अपने परिवार नष्ट करके, मेरा खुद का ही धर्म जो है वो खत्म होगा, वो नष्ट होगा, और इन सब की वजह से अर्जुन को ही पीड़ा या फिर कष्ट झेलना पड़ेगा। और बोले अर्जुन परिवार करके नष्ट, धर्म नाश होगा प्रभु और होगा कष्ट। बोले और फिर इसके जवाब में कृष्ण भगवान ये बोलते हैं कि जब पाप बढ़ जाता है तो इससे कुल स्त्री जो है वो दूषित होती है और धर्म भी भ्रष्ट होता है। और कृष्ण भगवान ये बोलते हैं कि ऐसे में ही वर्ण संकर पैदा हो जाता है और फिर धर्म और जाति नाश का संकट भी आने लग जाता है। सुनो बढ़ने से पाप दूषित होती कुल स्त्री और होता है धर्म भ्रष्ट, ऐसे में ही पैदा हो जाता है वर्ण संघ। और श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोलते हैं कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है तो वो पाप भोगी बन जाते हैं और उनको नरक प्राप्त होता है। पर अभी भी अर्जुन जो है वो अपने आप को ही दोष दे रहे हैं कि उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए और युद्ध करने से कुछ लाभ नहीं होगा। बोले सुझाओ तात कुछ जिससे ना हो ये युद्ध, ये आंखों देखा हाल संजय ने आगे बताया। और वो ये बोलते हैं कि दुर्योधन जो है वो बुद्धिहीन है, इसकी वजह से वो उनके विरुद्ध खड़ा है, दुर्योधन के पास दिमाग नहीं है। और अर्जुन श्री कृष्ण के साथ पूरे सेना के मध्य में है और वहां पे वो श्री कृष्ण से सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें कुछ राह दिखाया जाए या फिर उन्हें कुछ ऐसा सुझाव दिया जाए जिसकी वजह से ये युद्ध रोक पाए। और साथ में अर्जुन ये बोलते हैं कि अपनों के हाथों वो मर सकते हैं, अपनों को वो मार नहीं सकते। अपनों के हाथों मर सकता मैं मार नहीं सकता, ऐसे रख के विचार अर्जुन ने दुख जताया। उसके बाद हमें ट्रैक का फिर से हुक पार्ट सुनने को मिलता है जो कि अगेन सिंगिंग वोकल्स है। और फिर ट्रैक के लास्ट में हमें कुछ स्लोविच के स्पोकन वर्ड सुनने को मिलते हैं कि अर्जुन लास्ट में जो रथ है उसके पीछे जाके बैठ जाते हैं। अर्जुन अपना दुख प्रकट करते हुए रथ के पिछले भाग में बेबस और हताश होकर बैठ जाते, अर्जुन विशाल खत्म होता है। ओके सो दिस वाज दैट, ये हम लोगों ने पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कौन सा वर्ड यूज करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। बट मैंने अपने साइड से पूरा ट्राई किया है कि मैं तुम लोग को पूरे ट्रैक को अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी अगर तुम खुद से समझना चाहते हो तो तुम भगवद गीता का एक्सप्लेनेशन खुद से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, तुम जाके खुद वीडियोस भी देख सकते हो। चलो अब हम लोग आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू के ऊपर और पहले स्टार्ट करते हैं हम ट्रैक की म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो अगर हम बीट की बात करें तो बहुत ही बेसिक सी हिप हॉप बीट यूज की गई है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट नहीं यूज़ किया गया है। एक मेरी तरफ से एडवाइस है और ये मतलब कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर क्योंकि ये जो ट्रैक है ये महाभारत पे बेस्ड है, ये भगवद गीता पे बेस्ड है, तो अगर कुछ इंडियन एलिमेंट्स या फिर ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो कि इंडियन माइथोलॉजी में यूज़ होते हैं या फिर इंडियन हिस्ट्री में यूज़ हुए हैं वो सब अगर यूज़ किया जाता इस ट्रैक में तो और बेटर साउंड कर सकता था, बट स्टिल मिनिमल रखा गया है बीट को और बीट जो है वो ट्रैक के हिसाब से मुझे बढ़िया लगी। चलो अब हम लोग आ जाते हैं ट्रैक पे स्लोविज के ऊपर और अपूर्व शरण के ऊपर जिन्होंने सिंगिंग करी है, हुक पार्ट गाया है। सो सबसे पहले हैट्स ऑफ टू स्लोविज भाई, उन्होंने पहले तो ये कॉन्सेप्ट सोचा और इसको इम्प्लीमेंट किया और जितनी अच्छी तरीके से जो पहला चैप्टर है भगवद गीता का उसको हमें दिखाया है रैप पार्ट में। और एक चीज़ है ना जो इस गाने की वजह से होगी वो ये है कि बहुत सारे लोगों को भगवद गीता के बारे में पता नहीं है, बहुत सारे लोगों ने भगवद गीता पढ़ा नहीं है या फिर उनको पता नहीं है भगवद गीता में क्या मैसेज है और क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि रैप के थ्रू जो अभी लोग बच्चे जो सुनना स्टार्ट कर रहे हैं हिप हॉप या फिर जो रैप सुन रहे हैं, जो लोग ये ट्रैक सुनेंगे तो उनको पता चलेगा एग्जैक्टली भगवद गीता क्या है। और इस एल्बम के थ्रू ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिनको भगवद गीता के बारे में आइडिया नहीं था, भगवद गीता के बारे में पता नहीं था, वो भगवद गीता से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। सो रियली गुड जॉब बाय स्लोविज, स्लोविज की राइटिंग मुझे बहुत सही लगी, जिस तरीके से श्लोक जो संस्कृत श्लोक है उनको हिंदी में कन्वर्ट करके रैप के बार्स में कन्वर्ट किया है और प्रॉपरली फिट किया है, अरेंज किया है, ट्रैक को ज़्यादा लंबा नहीं किया है, जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे वो ही सिर्फ मेंशन किया है इसमें। सो रियली गुड जॉब बाय स्लोविज और भाई मजा आ गया सुनके। और अगर हम बात करें अपूर्व शरण की तो उनकी वोकली मुझे बहुत अच्छी लगी, हुक जो था वो एक कंप्लीट किया उसने ट्रैक को और ही ऑल्सो डेड रियली गुड जॉब। अगर हम ओवरऑल ट्रैक की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और ऐसा ट्रैक हमें
ऐसा कॉन्सेप्ट हमें पहली बार देखने को मिला, ऐसे ट्रैक पहले देखने को मिले हैं बट पूरा एल्बम भगवद गीता का, ठीक है, हर चैप्टर पे एक ट्रैक, ये कॉन्सेप्ट पहली बार देखने को मिला है। सो पहला ट्रैक अभी आउट हो चुका है, सो जिसने भी नहीं सुना है मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो के बाद सीधा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, सीधा तुम जाना स्लोविज का वो यूट्यूब का जो लिंक है वहां जाके गाना सुनना, ठीक है, कमेंट करके वहां पे तुम ड्रॉप कर सकते हो तुम्हें ट्रैक कैसा लगा, भाई को सपोर्ट करो। आई थिंक अभी 17K के आसपास व्यूज है, इससे ज्यादा डिजर्व करती है ट्रैक। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोग से, जो लोग अभी यहां तक रुके हुए हैं वीडियो खत्म करने के बाद, सीधा जाना स्लोविज के ट्रैक में और वहां पे जाके भाई को सपोर्ट करना। और इसके बाद आगे जितने भी ट्रैक आने वाले हैं इस एल्बम में, सब में मैं चाहता हूं कि तुम लोग सपोर्ट करो, पूरे एल्बम को सपोर्ट करो, ठीक है। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। और अगर तुम्हें, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई है, तो प्लीज तुम करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगेन ये मेरा फील्ड नहीं है, मेरी नॉलेज थोड़ी इसमें लिमिटेड है, ठीक है। तो जितना मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से बताया, बट स्टिल कहीं ऊपर नीचे हो गया होगा, नीचे करेक्ट कर सकते हो तुम लोग। बाकी अगर तुम मेरे किसी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो कमेंट करके बता सकते हो। चैनल पे पहली बार आ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो, चैनल पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, ट्विटर पे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे आजकल मैं एक्टिव हूँ। अगर तुम्हें कोई रिक्वेस्ट करना है कुछ तो ट्विटर पे बताना, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं उस पर रिव्यू कर दूँ। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।